हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिल्ली पनीर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चिल्ली पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पनीर। इसको हम क्यूब्स में काटेंगे। अब हम पनीर की कोटिंग के लिए लेंगे कॉर्नफ्लोर, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम पैन में ऑयल ले लेंगे। हीट की हुई ऑयल में अब हम पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर को गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हमारा पनीर फ्राई हो चुका है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम चिल्ली पनीर की सॉस बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम लेंगे पैन में ऑयल। अब हम हीट की ऑयल में गार्लिक डालेंगे। अब हम वेजिस में कैप्सिकम डालेंगे, ग्रीन चिल्ली। अब इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। थोड़ा इसको हमने फ्राई करना है। अब हम अनियन डालेंगे, अब इन्हें हम 50% कुक करेंगे। अब हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लेंगे। अब हम सॉसेस डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस। अब इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर को हम पानी में मिक्स कर डालेंगे ताकि हमारी सॉस थिक बने। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। अब हमारी सॉस रेडी हो गई है। इसमें हम अपने फ्राई किए हुए पनीर के क्यूब्स डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये रहा हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिल्ली पनीर रेडी। थैंक यू।